नहीं देखिए, अभी तो पटना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लोकहित याचिका दाखिल हुई है। इंतज़ार करना चाहिए क्या निर्णय आता है। देखिए, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता का फैसला आ चुका है और जनता इस पक्ष में नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालकर अपराधियों को जेल से रिहा किया जाए। और जो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मांग किया था, हमने मांग जरूर किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाए। और ये जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आम और खास के अंतर को ख़त्म कर दिया, तो सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, आम आदमी को तो लड़ने का अधिकार है। सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, आम आदमी को तो नहीं देना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में अगर घुसकर कोई बाधा पैदा करता सरकारी काम में, तो धारा 353 IPC के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है। परंतु ऐसा कोई प्रावधान किसी दूसरे प्राइवेट दफ्तर में घुसकर अगर बाधा पैदा करे, तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अंतर्गत अगर कोई सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो मुकदमा चलाने के पहले उसके वरीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा कोई मामला दूसरे सामान्य नागरिक के लिए तो नहीं है। तो ये तो सरकारी सेवा के दौरान कर्तव्यों का निर्वाह करते समय उस पर अगर कोई हमला करता है, तो उसे बचाव के लिए प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा कि जो ये माइंस डिपार्टमेंट की जो महिला अधिकारी थी, उस पर हमला हो गया। आए दिन बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर जब सरकारी अधिकारी जाते हैं जिलों के अंदर गांव में, उस पर आए दिन हमला होता है। तो उसे सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए। उस दौरान अगर हत्या हो जाए, तो अभी तक प्रावधान था कि अगर सेवा के दौरान अगर हत्या हो जाए, तो उस व्यक्ति को परिहार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। फिर आपने एक झटके में संशोधन कर दिया। और देखिए, तो सरकार का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया कि सरकार को दलितों से कोई मतलब नहीं है। जो इस देश के समाज के जो दलित थे, जी कृष्णैया की हत्या हो गई और जिन लोगों पर आरोप लगा और आरोपी नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट तक ने जिसको बहाल कर दिया, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपने उनको बरी कर दिया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता मैं नहीं कह सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि जो IAS एसोसिएशन है, उन लोगों ने जो चुप्पी साध रखी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अन्य राज्यों के IAS संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार का IAS एसोसिएशन या फिर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के लोग चुप्पी साधे हुए, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और जो अन्याय हो रहा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, उसके बारे में खुलकर उनको सरकार की निंदा करनी चाहिए या उनको प्रस्ताव करना चाहिए। जो एक और जो बागेश्वर बाबा को रोकने को लेके लोग बैठक कर रहे हैं, RJD के लोग बोल रहे हैं सनातनी तानाशाही के पोषक हैं और BJP भी इनके साथ है। देखिए, ऐसी गलती ना करें राष्ट्रीय जनता दल के लोग। ये महात्मा संत जो हैं, इनकी फॉलोइंग राजनेताओं से ज़्यादा है। आज अगर लालू यादव खड़े हो जाए, तो उनकी भीड़ में सभा में 10,000 की भीड़ होगी। और बाबा बागेश्वर धाम के लोग अगर के बाबा आ रहे हैं, तो 2,00,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसी गलती न करें। और हिंदू संत महात्माओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कोई ईसाई मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, उनको आने से रोक सकते हैं? क्या ओबीसी आए बिहार के अंदर, क्या रोक पाए उनको? और ये बाबा बागेश्वर धाम के जो महात्मा हैं, उनके बारे में जो उल जुलूल बयान दे रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक है। इसलिए सरकार को बचना चाहिए, तनाव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, समाज में सौहार्द्रता बनी रहे, नहीं तो अनावश्यक जो है और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी नौबतपुर के इलाके में। जो सर JDU सांसद है कौशलेंद्र कुमार, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़े, तो अच्छी बात है, खाली कर दे, उसमें कौन मना है? तो सीट छोड़ देंगे हम। अरे छोड़ देंगे तो लड़ेंगे तब ना, वो पहले गद्दी सौंपेंगे, लड़ेंगे तो गद्दी सौंपनी पड़ेगी ना। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपने के लिए तैयार हैं? ये तो समझौता हुआ था कि गद्दी सौंप देंगे, लेकिन पलट गए, अपनी आदत के अनुसार पलट गए। वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो कौशलेंद्र क्या जिसको बोल देंगे वो सीट छोड़ देगा? लेकिन सवाल तो ये है ना, क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे या सांसद ही बने रहेंगे और मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? तीसरे नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़िए
और तब चुनाव लड़ने के बारे में सोचिए। ललन सिंह ट्वीट करके मन की बात पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जो है आम जन की बात नहीं करके और मन की बात। 6 महीना पहले तक तो ललन सिंह हर महीने के अंतिम रविवार को टीवी रेडियो खोल कर मन की बात सुना करते थे और 6 महीने में मन की बात खराब हो गया। अरे दुनिया के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मन की बात ने कि एक प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बात नहीं करता है। पूरे देश दुनिया के अंदर सुदूर इलाकों में जो लोग सामाजिक जागरण का कार्य कर रहे हैं उनके बारे में उनको वहाँ पर लाया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है और इस प्रकार के गैर राजनीतिक कार्यक्रम का भी विरोध करते हैं। अरे विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। तीसरे मन की बात के कार्यक्रम का जदयू और राजद के विरोध करने से नहीं होता, आम जनता ने उसको अपना लिया है और करोड़ों लोग हर महीने मन की बात के कार्यक्रम को सुनते हैं।